ये जो ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ठीक, पता नहीं मुझे डायरेक्टली ब्लेम उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मानता ही हूँ, ठीक है, इनकी वजह से आधी दुनिया डिप्रेशन में जा रही है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मिलिए इनसे मिलिए उनसे, ठीक है, तुम वो करो जो 99.95% लोग नहीं करते, ठीक है, इन्होंने ना देश की जितनी जड़ काटी इतनी किसी ने काटी। अब कोई लोग सोचेंगे तो यार आप गलत कह रहे हो भैया, ऐसे तो नहीं होता है, उन्हीं के मोटिवेशन तो हमारे अंदर ऊर्जा ही, उन्हीं के मोटिवेशन तो हमारे अंदर जोश आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। जो ये ऑनलाइन मोटिवेटर्स हैं बहुत से हैं, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, बहुत से हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बड़े अपने को साधु संत टाइप प्रेजेंट करते हैं कि हम तो बहुत कूल हैं, बहुत शांत हैं, ठीक है, और बहुत से होते हैं वो एकदम से आते टूट पड़ते हैं, मतलब ठीक है, वो दन 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 बोलना शुरू करते हैं, फिर चुप्पी नहीं होते। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को और देश का नुकसान करा, और मैं देखता हूँ उनको देखने वाले भी सब बहुत होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर तुम डिप्रेशन से बचना चाहते हो और रियल मोटिवेशन ढूंढना चाहते हो तो यूट्यूब से बाहर ढूंढो, अपने आसपास में ढूंढो, अपने घर में ढूंढो, अपने परिवार में ढूंढो, अपने गली मोहल्ले में ढूंढो, अपने गाँव में ढूंढो, अपने मतलब तहसील में ढूंढो, अपने जिले में ढूंढो, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन ढूंढो, ठीक है, सब जगह होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, सब जगह ऐसे लोग होते हैं। अगर तुम्हें अपने घर में कोई एक ऐसा मेंबर नहीं मिल रहा है, तुम्हारे परिवार में तुम कोई एक ऐसा सदस्य नहीं ढूंढ पा रहे हो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले, ठीक है, अगर तुम अपने नाते रिश्तेदारी में कोई ऐसा पर्सन नहीं ढूंढ पा रहे हो जो तुम्हें मोटिवेट करे, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिले कि भाई हमें ऐसे जिंदगी में जीना है, हमें जिंदगी में इस तरीके से मतलब काम करना है, हमें ऐसे पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर तुम अपने पूरे गांव में ऐसा कोई पर्सन नहीं ढूंढ पा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें मोटिवेशन के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाकर तुम्हें मोटिवेशन देखना पड़ता है, तो तुम केवल बेवकूफ बनोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यूट्यूब पर जो दिखाया जाता है वो सरासर झूठ है भाई मेरे, ठीक है। ये जो यूट्यूब पर मोटिवेशन देते हैं ना, ये खुद से तो डिप्रेशन की गोली खा के सोते हैं रात को, ठीक है, और ये सब स्क्रिप्टेड होता है, सब बनावटी होता है, उनकी बातें सब बनावटी होती हैं, उसमें लेस मात्र भी सच नहीं होता है। सीधा साधा पर्सन बेचारा गांव देहात का, जिसको नहीं पता होता कि ये जो मोटिवेटर्स होते हैं इनका स्टूडियो कैसा होता है, ठीक है, मोटिवेशन लेक्चर देने से पहले कितनी तैयारी करके आते हैं, कितनी नींद की गोलियां खा रहे होते हैं, ठीक है, इनकी स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और होता है, इनके चेहरे का रंग रोगन करने वाला कोई और होता है, ठीक है, और इनकी लाइटिंग बड़ी फिक्स होती है, मतलब बहुत माहौल बनाते हैं, ये सब झूठ होते हैं मेरे भाई, सब झूठ होता है। गांव देहात का बेचारा बच्चा होता है वो जानता नहीं, गांव देहात का बच्चा ये सोचता है कि जो मोटिवेटर है जैसे मोटिवेशन दे रहा है, एक्चुअल में ऐसा ही है, वो बिल्कुल वैसा नहीं, वो बिल्कुल फेक आदमी है। तुम्हारे सामने वो कुछ और कहेगा, तुम्हारे सामने कहेगा कि काम पे फोकस करो पैसे पे नहीं, लेकिन उल्टा वो खुद पैसे पे फोकस कर रहा होता है, काम पे नहीं, उसकी प्रायोरिटी पैसा है, उसकी प्रायोरिटी है लोगों को बेवकूफ बनाना, ज्यादा से ज्यादा अपना ब्रांड बनाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, उसकी कहीं पर प्रायोरिटी काम नहीं है। लेकिन अब कौन समझा, यूट्यूब पर बच्चा देखता गांव देहात का जिसने कभी कोई स्टूडियो नहीं देखा, ठीक है, वो सोचता है अच्छा ये ऐसा ही है, देखो ठीक है, वो बिल्कुल वैसा नहीं, वो केवल तुम्हें दिख रहा है, उसकी असली लाइफ कुछ और है। तो अपनी असली दुनिया में, ये यूट्यूब की दुनिया असली नहीं मेरे भाई, ठीक है, अपनी असली दुनिया में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नाते रिश्तेदारी में, अपने गांव में, ठीक है, रियल लाइफ में कोई पर्सन ढूंढो, उससे मोटिवेट हो, ठीक है, ये सब नकली मोटिवेशन ये काम नहीं करते, ठीक है, ये 0 से 100 पे पहुंचाते हैं सीधे, ये क्या करते हैं आपको 0 से 100 पे पहुंचाएंगे। अपने आसपास में कोई ढूंढोगे ना मोटिवेशन वाला पर्सन, ठीक, आप किसकी बात कर रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम सही समझ रहे हो, तुम जो भी समझोगे सही ही समझोगे, ठीक है, अपने आसपास में ढूंढो, मुझे जिन लोगों ने मोटिवेट किया वो सारे रियल पर्सन है, ठीक है, ये नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक से एक बदतमीज भरे पड़े, एक को क्या कहें, बहुत भरे पड़े गोली देने वाले, चूरन बेचने वाले, तो ये सब चूरन बेचने वाले लोग हैं मेरे भाई, ठीक है, ये तुम्हें चूरन चटा देते हैं, ठीक है, तुम इनका चूरन खा के नशे में आ जाते हो, ठीक है, और तुम सोचते हो कि मतलब तुम सीधे निकल पड़ते हो एवरेस्ट पर फतह करने, ऐसे नहीं, रियल लाइफ में मोटिवेशन हो, रियल लाइफ में अगर तुम अपने आसपास की असली दुनिया में मोटिवेशन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम्हारी यही हालत होगी जो हो गई है, ठीक है, बस इतना काफी है, कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो अपने जैसे चले वैसे चलते रहो, हमें कर लेना, मेरे अपने सही गलत है, तुम्हारे अपने सही गलत है, मुझे पता है कि रियल मोटिवेशन कहां से लेना चाहिए, तुम्हें पता कहां से लेना चाहिए, लोग अपना मेरे, तो ये जितने मोटिवेटर्स हैं ना, ये जो चश्मा लगा के और बालों में जेल लगा के, ठीक है, और माहौल बना के संत टाइप इमेज बनाए बैठे, ये सब नाश मार रहा है बच्चों का, सीधे साधे लोगों का, चंट आदमी तो इनके चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है, चंट आदमी इनके चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है, सीधा साधा बच्चा जिन पे भरोसा कर लेते हैं, इनकी बातों को सच मान लेता है, बस उसी की जड़ काट देते हैं, उसकी लाइफ ऐसी बर्बाद करते हैं, बेचारा कहीं का नहीं बचता, वो झूठे सपनों में जीता रहता है, वो झूठे मोटिवेशन में जीता रहता है, झूठे सपनों में जीता रहता है, वास्तविक दुनिया कितनी कठिन है, रियल लाइफ में कितनी हार्डशिप्स हैं, रियल लाइफ में कितना कॉम्पिटिशन है, रियल लाइफ में कितनी मतलब परेशानियां है, वो कट जाता है उससे, झूठे नशे में जी रहा, उसको नशे का डोज दे दिया, उसको डोपामाइन दे दिया, वो बस हो गया, हाँ, पीछे से ट्यून चला देते हैं सिर्फ पीछे से ट्यून चला देते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, ठीक है, पीछे से ट्यून चला देंगे कि आदमी अंदर से भी हिल जाए, क्या है, अब अपना नाश मारने पे जो तुम बैठे हो तो बैठो, चलो।